और नजर डालेंगे खबरों पर। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने राज्य के सभी 95 विकास खंडों के 7674 गांवों में घर घर से कूड़ा उठाने और उसके प्रबंधन का कार्य शुरू करने की घोषणा की। अभी तक केवल शहरी क्षेत्रों में ही घर घर से कूड़ा उठाने का कार्य होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के 9000 गांवों में कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू कर चुकी है और मार्च 2025 तक राज्य के 100% गांवों में कूड़ा प्रबंधन का कार्य शुरू करना सरकार का लक्ष्य है। मानसून सीजन के साथ देहरादून में डेंगू का खतरा भी बढ़ने लगा है। बताया जा रहा है कि अब तक डेंगू के 9 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं प्रशासन भी डेंगू पर रोकथाम लगाने के लिए पर्याप्त उपाय कर रहा है। बतौर एचएम निदेशक स्वाति भदौरिया ने कहा कि प्रशासन इस बार डेंगू की रोकथाम के लिए शुरू से ही प्रयासरत है। आगे उन्होंने कहा कि लगभग 2100 बेड विभिन्न अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए रिजर्व रखे गए हैं, साथ ही प्लेटलेट्स की समुचित व्यवस्था भी की गई है। इस बार काफी अर्ली तैयारियां शुरू कर दी गई थी और हमारे वॉलंटियर्स जो 220 की संख्या में है और साथ में आशाज, हमारे नगर निगम, ग्राम पंचायतों की टीम सभी लार्वा के सर्वे का काम, लार्वा के डिस्ट्रक्शन का काम लगातार कर रही है और इसीलिए इसी का नतीजा है कि इस बार बाकी वर्षों के कंपैरिजन में हम लोग काफी कम अभी डेंगू के केसेस आए हैं। फिर भी हमारी तैयारी पूरी है, लगभग 2100 बेड्स इसके लिए तैयार रखे गए विभिन्न अस्पतालों में, हमारे प्लेटलेट्स की पूरी तैयारी है और जो हमारे जांचे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेंगू एलाइजा टेस्ट की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। पौड़ी जिले में भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पुलिस लाइन में सशस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने परिवार के साथ पुलिस लाइन में भगवान विश्वकर्मा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इसके अलावा जनपद के सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने थानों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक संचार अनूप काला, पुलिस उपाधीक्षक अनुज कुमार भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। वहीं बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने चमोली जनपद में तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम में भी बारिश जारी है। बारिश और बर्फबारी के चलते शहर में ठंड बढ़ने लगी है। चारधाम यात्रा में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत से समापन के बीच मानसून का समय भी आ रहा है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह बोल्डर सड़क पर गिर जाते हैं तो कहीं सड़कें और पुल अत्यधिक बारिश के कारण टूट जाती है। बतौर गढ़वाल आईजी केएस नगनियाल ने कहा कि यात्रा में जो थोड़ी बहुत परेशानी आ रही थी उसको समाप्त कर दिया गया है। जगह जगह जेसीबी और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी तैनात है और रास्ते में यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। चार धाम यात्रा को सुचारू और सुव्यवस्थित करना, सुगम, सहज और सरल बनाना पुलिस का काम है और हम लोग लगे हुए, हमारे पुलिस बल अलग से लगी हुई है वहाँ पर और वो जो है यात्रियों की सुविधा के लिए वो काम में लगे हुए हैं। देख रहे होंगे डेली लैंडस्लाइड आ रहा है, उनके लिए यात्राएं जो है जहाँ लगता है कि ट्रैफिक को रोका जाना है वहाँ रोकते हैं, जहाँ रोड ब्लॉक आ चुका हो चुका है तो वहाँ NS के साथ, PWD के साथ जो भी मशीनों की आवश्यकता पड़ती तत्काल हो वहाँ प्रोवाइड करा के रोड क्लीनिंग का। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा को लेकर लगातार सक्रिय रहते हैं। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोला जाए। आपदा विभाग भी मुख्यमंत्री के निर्देशों को लेकर लगातार काम कर रहा है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि अभी भी स्थिति में प्रदेश में करीब 200 से ज्यादा सड़कों को खोला जा चुका है और अभी इतनी ही सड़कें खोलनी बाकी है जिनको आगामी 2 से 3 दिन में खोल दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में मैंने सभी जनपदों के साथ बैठक लिया था, सभी एक्शन वगैरह को भी मैंने बुलाया था उस बैठक में, उनसे जानकारी लिया है। लगभग 200 के आसपास सड़कें बंद हैं और पिछले 3 दिनों में लगभग 200 से ज़्यादा सड़कें खोली गई हैं और इसी गति से काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 2 दिन में लगभग
अधिकांश सड़कें खुल जाएंगी ऐसी उम्मीद हम करते हैं। जहाँ डैमेज थोड़ा ज़्यादा है वहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है, और मुख्य मार्ग लगभग सारे खुले हुए हैं, NH सारे खुले हुए हैं, SH सारे खुले हुए हैं, जो जनपद के मार्ग हैं सारे लगभग खुले हुए हैं। जहाँ रास्ता नहीं खुला है वहाँ वैकल्पिक मार्ग है हमारे पास, हम जनपद मुख्यालय तक पहुँच सकते हैं, और कुछ ग्रामीण सड़कें जरूर बंद रह जाएंगी जिसको खोलने के लिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि प्रदेश में बीते दिनों से हो रही बारिश से राहत मिली है, वही देहरादून में बादल नहीं बरसेंगे और मौसम ठीक रहेगा। साथ ही पहाड़ी इलाकों में एक से दो या इससे अधिक बार भारी बरसात हो सकती है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जनपदों में कहीं कहीं एक से दो बार भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र ने के निदेश विक्रम सिंह ने बताया कि गुरुवार से मौसम एक बार फिर खुलने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। देहरादून में किशन नगर चौक स्थित आत्माराम धर्मशाला में बहुउद्देश्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। शिविर में श्रमिक कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए, साथ ही लोगों से खून जांच भी कराई गई और रक्तदान शिविर में भी हिस्सा लिया गया, लेने के लिए कहा गया। मंत्री जोशी ने कहा कि रक्तदान हमारे जीवन और शरीर के संचालन में रक्त की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मंत्री जोशी ने रक्तदान के बारे में समाज में जागरूकता लाने और प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान के लिए प्रेरित किया, और साथ ही स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने की भी अपील की। हल्द्वानी में अंकिता भंडारी की दूसरी बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और कांग्रेस विधायक सुमित हदवेश, शहर के स्थानीय लोग, छात्रों सहित संगठनों से जुड़े लोगों ने मौन उपवास कर विरोध जताया और अंकिता के न्याय की मांग की। कांग्रेस विधायक सुमित ने कहा कि राज्य में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा राम भरोसे है। 2 साल पहले अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी, लेकिन अभी तक उसके असली आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर भी पुतला दहन किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये सरकार, एक बेटी जो पढ़ के अपने कार्य पे गई, वहां पे जब अतिरिक्त सेवा उससे और गंदे कार्य करने को करा गया, जिसने मना कर दिया, उसको मार डाला, उसमें संलिप्त कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। रिजॉर्ट किनका? भारतीय जनता पार्टी के लोग। VIP कौन है? ये जवाब देने को तैयार नहीं कोई सरकार। बुलडोजर रिजॉर्ट पे किसने चलाया? ये जवाब देने को सरकार तैयार नहीं। और तब से लेके हिंसा छोटे छोटी छोटी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ, हिमालयी राज्यों में ऐसा सबसे बुरा हाल उत्तराखंड का अपराध के मामले में, बड़े दुख का विषय है। और साथ ही साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी पे लगातार जो अब शब्दों का और गंदी भाषा का उपयोग हो रहा है, ऐसा व्यक्ति जो पूरे देश में चलकर मोहब्बत की दुकान खोलने का प्रयास कर रहा है इस नफरत के माहौल में, ऐसे व्यक्ति को गालियां ये खुलेआम दे रहे हैं।